खुदा की कारी। नौजवानों तैयार हो जाओ, बोला कैसे जाता है, सुना कैसे जाता है, आप खूब जानते हैं, खूब जलसों में जाते हैं, खूब प्रैक्टिस है आपको, जरा सा बोल के बताओ। खुदा की कारी गरी का जलवा, खुदा की कारी। ये जरा सा इलाका थोड़ा सा हल्का पड़ रहा, मैं चाहता हूँ भारी हो जाए, भारी हो जाए, भारी हो जाए। ये यूट्यूब मुझे नहीं शूट कर रहा है, जैनुल आबदीन जैसे पढ़ता है वैसे ही पढ़ता है, समझ रहे हैं, लेकिन ये देखता है कि जैनुल आबदीन को जो लोग सुनने आए थे वो कैसा सुन रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं, मुलायजा करें, ठीक है, हाजिर करता हूँ। खुदा की कारी गरी का जलवा, खुदा की कारी गरी का जलवा, खुदा की कारी गरी का जलवा, भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। मतलब बतौर खास हाजिर करता हूँ, जरा यहाँ से लेके वहाँ तक आप, मैं मुसलसल 12-13 रातों से जगा हुआ हूँ, अगर आप बोल देंगे तो मैं आमादा हो जाऊंगा पढ़ने के लिए, ये सब आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है। सुने, खुदा की कारी गरी का जलवा, भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। 25% आप आमादा हुए, 50% होके बता दीजिए। सुने, खुदा की कारी गरी का जलवा, भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। खुदा की कारी गरी का जलवा, भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। अरे जमीन कारी गरी का जलवा, बहुत अच्छा मतलब है। बहुत अच्छे, सुने सुने शेर पढ़ने जा रहा हूँ, खिता सराय के लोगों तैयार हो जाओ। अजान भी आज हो रही है, अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन जैसा नहीं है सजदा, हुसैन जैसा नहीं है सजदा, अरे बिलाल हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अजान नहीं है। हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अजान नहीं है। अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन जैसा नहीं है सजदा, अरे बिलाल जैसी अजान ही है। हुसैन जैसा
उस्मान साहब ये उलमाए कराम बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में एक मतलब बोल रहा हूँ, कोई कमी नहीं है, चाहे जितने लॉकडाउन लग जाए लेकिन कमी नहीं आ सकती। मुलायजा करें, बहुत जमाने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, बहुत जमाने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बातें अब तक बनी हुई है। उधर खुदा उलमा इकराम के हवाले मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बहुत बड़ा नात का शेर, बस आपकी दुआएं मुझे मिल जाएंगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैं जी गुजारिश करता हूँ कि तवज्जो का तलबगार हूँ, मुलाहिज़ा कर लें, दुआओं से नवाज दीजिए। सुने सुने, उधर खुदा का बरोज़े महशर जलाल अपने उरूज पर है, उधर खुदा का बरोज महशर जलाल अपने उरूज पर है, उधर खुदा का बरोज महशर जलाल अपने उरूज पर है, इधर मेरे मुस्तफा की रहमत, इधर मेरे मुस्तफा की रहमत शफातों पर अली हुई है, इधर मेरे मुस्तफा की रहमत शफातों पर अली हुई है, इधर मेरे नौजवानों क्या काम है, आगे वो लोग बैठते हैं जो पूरे मजमे को संभाल सके, बात समझ रहे हो, सिर्फ ये कहना नेकियों में इजाफा करना है, सुभान अल्लाह कहना है, हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के, बहुत शरीफ भी हूँ, बहुत जिद